पहले वाली सरकार में जो है बच्चे खुद फर्श झाड़ के और अपने घर से डांट पट्टी लेके बैठते थे वो लोग, आज वो कुर्सियों में बैठ रहे हैं। अच्छा। इससे अच्छा क्या चाहिए गरीब कि शीला दीक्षित के टाइम में 3,3200 रुपये का बिजली बिल एक महीने का देते थे, इस टाइम पे फिलहाल तो 200 यूनिट फ्री किया है तो इसलिए जीरो है, क्योंकि 200 ज़्यादा हम फूक नहीं पाते। फाइन मांगा जा रहा है, किस लिए फाइन मांगा जा रहा है? ये क्यों लिखवा रखा है आप लोगों ने, इसको हटवाओ नहीं तो हम चलान काटेंगे, गाड़ी हम बंद करेंगे। अच्छा, पुलिस ऐसा बोलती है? पुलिस ऐसे बोलती है जी। अब कल को हुआ भी है कई लोगों का, हमारे से भी 500 रुपये लिए गए हैं। ये कहते हैं वो काम नहीं करने देते हैं और केंद्र सरकार कह रही है ये काम नहीं कर रहे। अच्छा। इसलिए दोनों को सेम सरकार होगी तभी हमारा काम होगा, विकास होगा। पहले खुल के दलाली होती थी, अब जो है चोरी छुपके हो रही। पहले 200 रुपये में गाड़ी पास हो जाती थी, लेकिन अब 800 रुपये लगते हैं, कभी 1,000 लगते हैं, कभी 500 लगते हैं। जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, छोटा आदमी छोटा होता जा रहा, बड़ा आदमी और बड़ा होता जा रहा। कालंदी कुंज साइन बाग का 1 महीना 2 दिन हो गया रोड बंद है, जो बच्चे 1 महीना 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं, उस पर बीजेपी सरकार और आम आदमी सरकार अपनी रोटी सेक रही है। दोनों सरकार इतनी निकम्मी सरकार हो गई है, उनको बैठा दिया, उनको हटाने का नाम नहीं ले रहे। बीजेपी और आम आदमी दोनों पार्टियां इतनी निकम्मी हो गई हैं, जो उनको हटाने के लिए नाम है ना, उनका कोई सुनवाई नहीं है। पहले बच्चे स्कूल भी नहीं जाते थे, आज स्कूल जाते हैं अच्छे से। क्या बोलते हैं बच्चे? कि बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, लेकिन यहाँ तो लोग 300-300 रुपये देते हैं, बोलते हैं आपको 9,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, 9,000 को भी जो है वो डिवाइड करते हैं 30 से, मतलब उनको 30 दिन काम चाहिए होगा। आज भी मेरे बच्चे स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और 1-2 दिन एब्सेंट कर देते हैं, स्कूल से फ़ोन आ जाते हैं कि आपके बच्चे क्यों नहीं आए स्कूल। मोदी जी भी तो बोल रहे हैं सब कुछ मैं भी कर दूंगा दिल्ली में, लोग मुझे जिताएंगे। वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो फेकू है इस तरीका से, भाइयों बहनों और उसके अलावा उसके पास होता क्या? राष्ट्रपति भवन से संसद भवन के अलावा वो कहाँ जाता दिल्ली के अंदर? विदेश में रोनी करा। अरे पहले अपने घर में देखना, जो अपनी माँ बहन को नहीं देख सका तो तुम दूसरों का क्या देखोगे? 2,000 रुपये के लिए मोदी ने अपने माँ को, 80 साल बूढ़ी माँ को बैंक के लाइन में लगवा दिया, उससे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? और एक जो है टकला आतंकवादी गुजरात का, वो दोनों और एक है योगी, ये तीनों जिंदा रहने लायक नहीं है, इनको तो मार देना चाहिए, वही अच्छा रहे, क्योंकि ये धोखेबाज है, किससे धोखा नहीं करते बताओ। दिल्ली दे विच किस दी सरकार बनेगी, दिल्ली दे विच लोकां नूं किन्ना फायदा होया, दिल्ली दे विच ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ। ਮੁਕੇਸ਼, ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮੇ ਕਿਸ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਜੀ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਾਮ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਾਮ ਹੈ? ਕਾਮ ਆਪ ਕਹੀਂ ਵੀ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਸੜਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਰੋਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਕਾ ਕਾਲਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਕੂਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੀਨਿਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਗਰੀਬ ਕਲੋਨੀਓ ਮੇਂ ਐਕਸਲੈਂਜਾ ਸੇ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਫਰਜ਼ ਝਾੜ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੇ ਡਾਂਟ ਪੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਤੇ ਥੇ ਵੋ ਲੋਗ, ਆਜ ਵੋ ਕੁਰਸੀਓ ਮੇਂ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਇਸ ਸੇ ਅੱਛਾ ਕਿਆ ਚਾਹੀਏ ਗਰੀਬੋਂ ਕੋ?
और ऑटो वालों के लिए हमारे लिए बड़ी फ़ायदा किया है। डिम्स फ्री कर दी, आज पासिंग के पैसा नहीं लगता है, मीटर की ट्राई देने जाते थे वो भी नहीं लग रही है, जो मीटर एक बार में पास हो जाता है, और बहुत सारी सुविधाएं, तो इसलिए हम केजरीवाल को ही लाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है जी, किसकी सरकार इस बार? केजरीवाल की। क्यों? वो इसलिए कि शीला दीक्षित के टाइम में 3,3200 रुपये का बिजली बिल एक महीने का देते थे, इस टाइम पे फिलहाल तो 200 यूनिट फ्री किया है तो इसलिए जीरो है, क्योंकि 200 ज़्यादा हम फूक नहीं पाते हैं, और जब 200 ज़्यादा फूकते हैं तो वही 400-500 या 1000, इससे ज़्यादा नहीं आता। ये सबसे मेरे गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा है जी। दूसरी बात, स्कूल बहुत टॉप का है इस टाइम पे, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं लेकिन जब देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है। हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, जहाँ भी चले जाओ सुविधा बहुत अच्छी है। यही सब बातें हैं, जैसे डिम्स के बारे में मैंने अभी आपको बोला था, डिम्स फ्री हो गई है। डिम्स में पैसे हमें सिला टाइम में 1450 रुपये देने पड़ते थे, उन 1500 कुछ रुपये हो गए थे, तो वो एक साल के लिए माफ़ हो गया, मतलब इस बार कुछ नहीं देना पड़ा जी। तो इसलिए मैं तो केजरीवाल को मस्त बहस। कुछ लोगों ने ऑटो के पीछे भी केजरीवाल लिखवा रखा है, आपको क्या लगता है, ज़्यादा फैन है लोग केजरीवाल के? हाँ, केजरीवाल काम अच्छा किया है ना, जैसे सीएम जैसे, और आज तक सीएम ने कोई किसी ने काम नहीं किया अच्छा जैसे उसने काम किया है। आगे में छोटे बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा है, बिजली फ्री है, आगे में ऑटो लाइन के लिए बिडम से पासिंग सब कुछ अच्छा किया है, सड़क की व्यवस्था भी अच्छी करी है उसने, आगे में प्रदूषण को भी हटाया है उसने, तो इसलिए हमें केजरीवाल ही लायक है। और मोदी सरकार? हाँ, वो भी अपने सीएम, वो अपने पीएम, वो अपने पीएम की जगह पर वो भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन यह कि दिल्ली के लिए जो काम किया केजरीवाल ने वो अच्छा किया। हाँ, की कहोगे जी दिल्ली की सरकार की पैदा होया, ऑटो चालकों की फायदा हुआ? ऑटो चालकों के लिए तो जी केजरीवाल के आने पे बहुत कुछ फायदा हुआ है, और अभी तक कोई चलान नहीं होता था, अब जब से बीजेपी का ज़्यादा होने लगा तो चलान भी बहुत हो रहे हैं, और जो हम लोगों ने केजरीवाल जी का नाम लिखा रखा था पीछे, उनके भी अब 1000 रुपये का चलान फाइन मांग रहे हैं। अच्छा। और हमारे जो केजरीवाल जी हैं ना, बच्चों के लिए स्कूल भविष्य सारा कुछ बहुत बढ़िया किया है। क्या बोलते हैं, क्यों फाइन मांगा जा रहा है, किस लिए फाइन मांगा जा रहा है, क्यों लिखवा रखा है आप लोगों ने, इसको हटवाओ नहीं तो हम चलान काटेंगे, गाड़ी हम बंद करेंगे। अच्छा, पुलिस ऐसा बोलती है? पुलिस ऐसे बोलती है जी। अब कल को हुआ भी है कई लोगों का, हमारे से भी 500 रुपये लिए गए हैं। अच्छा, लिखवाने का नाम आपने भी लिखवा रखा है ऑटो के पीछे? लिखवा रखा था जी, फिर फाड़ा है रात को हमने। अच्छा। हाँ जी, क्या लगता है इससे, अगर आप बोल रहे हैं कि केजरीवाल ने अच्छा काम किया है, तो अगर पुलिस ऐसा कर रही है तो कौन करवा रहा है, और इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा विरोधी पार्टी को? विरोधी पार्टी को जी नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा क्या होना है, कुछ नहीं होना है। ये चक्कर ये ना कि हम लोगों के जैसे आराम से खा पी रहे हैं, तो ये पुलिस वालों के चक्कर पर हम खा पी पा नहीं रहे जी। हर चीज़ में डंडा, अगर 2-4 भाई हमारे ऑटो में बैठे होते हैं तो आएंगे गाड़ियों की तलाशी लेंगे, डंडे मारेंगे, गालियाँ देंगे, ये सब बेवकूफ़ी का काम करते हैं। पुलिस पर सवाल उठते हैं, अगर स्टूडेंट की बात करें, JNU में स्टूडेंट बैठे हैं, या जामिया की बात करें, तो पुलिस पे सवाल उठते हैं, उन्होंने भी पुलिस पे सवाल उठाए, और आप लोग भी अभी बोल रहे हो कि हमारे साथ पुलिस धक्का करती है, तो वाकई में पुलिस का विश्वास जो लोगों पर, लोगों की सुरक्षा के लिए होती है पुलिस? JNU में क्या हो रहा है ये तो स्टूडेंट ही बताएंगे, क्योंकि हम तो आम पब्लिक के अंदर क्या हो रहा है हमें इसका आइडिया नहीं है, कौन दंगा कर रहा है कौन नहीं कर रहा ये तो पुलिस चेक करेगी, जांच करेगी इसके बारे में। जो बात इन्होंने भी बोली है कि ऑटो चालकों के साथ भी ऐसा करते हैं वो, अब देखो जी इनके साथ हुआ है तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ जी, मेरे साथ तो नहीं हुआ तो मैं कैसे कहूँ भाई ऐसा कुछ हुआ है।
मेरे साथ नहीं हुआ। बाकी सरकार का क्या, अभी कौन जीतेगा कौन हारेगा? देखिए सरकार का कोई पता नहीं है, बाकी मोदी जी स्वच्छ अभियान लाए थे तो साथ साथ केजरीवाल जी भी लाए, और मोदी जी वो कितनी कॉलोनियाँ पास कर रहे थे साथ साथ केजरीवाल जी भी पास करी, तो दोनों जी अपने का ठीक है, मोदी जी भी अपने अच्छे हैं और केजरीवाल जी बढ़िया हैं। क्या लगता है मोदी जी हावी हो जाएंगे केजरीवाल पे इस बार? देखिए ये तो सर समय बताएगा, मेरा एक अकेला वोट तो खैर नहीं काम कर पाएगा, तो पब्लिक जनता जनार्दन जो कहेगी वही होगा जी। उनकी इच्छा हो केजरीवाल जी आए तो वो आएंगे, उनकी इच्छा मोदी जी आएंगे तो वो आएंगे। आपकी क्या इच्छा है? मेरी इच्छा है सर पब्लिक के साथ है, जैसा सब कहेंगे वैसे ही वोट डालेंगे, कोई ऐसी कोई बात नहीं है जी। और भी लोग हमारे साथ हैं, क्या बोलेंगे जी? आप यूथ लग रहे हैं, आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार, और क्या फ़ायदा हुआ है आपको, किसी सरकार कोई फ़ायदा कर रही है आपको? केजरीवाल आएंगे सर। क्यों? उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, और मतलब जो गाड़ी के डिम्स वगैरह जो पासिंग वगैरह वो सब फ्री कर दिया है, कोई पैसा नहीं लगता। उसके अलावा आम लोगों को जैसे आप घर पे उसमें भी कुछ फ़ायदा हुआ है? हाँ, लाइट का बिल देखो 200 तक यूनिट फ्री आ रहा है, अभी तक तो 0 आ रहा है बिल। अच्छा, कोई पैसा नहीं आ रहा। कौन से एरिया में रहते हो? तुकलकाबाद। सभी सारी दिल्ली में ऐसे ही है? हाँ सारी दिल्ली में ही है, 200 यूनिट तक बता रहे हैं, सारा बिल फ्री है 200 यूनिट तक। पानी के कैसे हालात है आपके इलाके में? पानी अच्छा आता है, टैंकर भी आते हैं पानी के, और पानी बोरिंग वाला भी पानी आता है, पानी बढ़िया आता है। जो पहले सरकारें थी, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस काफ़ी लंबा समय यहाँ पे रही है दिल्ली में, तो उससे कुछ लगता है कि जो उस टाइम में काम हुए उससे कुछ अलग किया है इन्होंने या वैसे ही है? नहीं, चेंजिंग तो बहुत आई है, पहले शीला दीक्षित थी तो वैसे काम हुआ है, रोडों पे काम हुआ है, लेकिन कॉलोनी में कोई डेवलप नहीं हुआ। अच्छा, केजरीवाल जब से आए जब से हमारी सड़क भी बन गई है, बहुत सारे काम हुए हैं। और पुलिस का कैसा है, जैसे ऑटो चल के एक बता रहे थे कि पुलिस कभी कभार धक्का करती है हमारे साथ? नहीं, पुलिस तो सर देखो गलती करोगे तो वो तो पुलिस तो करेगी, अगर कोई अगर गलती करता है तो पुलिस ऑब्जेक्शन तो उठाएगी। जैसे ये बोल रहे थे कि कुछ लोगों ने लिखा रखा है कि जैसे आई लव केजरीवाल, तो उसका वो चालान काट रहे हैं? नहीं सर, मेरा तो चालान नहीं काटा अभी। आपने लिखवाया हुआ? नहीं। अच्छा। मैं नहीं लिखवाया, लेकिन सपोर्ट केजरीवाल को ही करता हूँ। अच्छा। कोई भी सरकार बने हमें तो कमाना खाना है, अगर कमाएंगे नहीं तो कोई खाने के लिए नहीं देने आएगा। वोट डालते हो? वोट हाँ डालते हैं। किसको डाली थी? केजरीवाल को। काम कर रहे हैं अच्छे के नहीं करे? काम तो क्यों किया तो अच्छा किया, अब कर रहे हैं तो भी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, आने वाली सरकार किसकी होगी वो तो वहीं पता लगेगा। किसकी सरकार बनेगी? केजरीवाल की। क्यों? क्यों का जवाब तो कोई किसी के पास नहीं होता, क्यों क्यों जाता हूँ? जवाब होता है जी, आप बताओ ना। काम किया उसने, कैसे किया, तुम्हें किस लिए? अरे यार इसलिए अच्छा लगा। लड़ना नहीं है? नहीं नहीं, लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ बताना है कि हाँ भाई क्यों अच्छे उसने किए इसलिए कहते हैं। अच्छा, बस मोदी साहब भी तो काम अच्छे करते हैं। हाँ तो जब उनका नंबर आया उनको भी देंगे कहते हैं। मोदी साहब भी बोल रहे हैं कि मैं दिल्ली में कर दूंगा सबके, मतलब अच्छा काम करूंगा सबके लिए। काम करेंगे तो उनको भी वोट देंगे तो अच्छे देंगे, उनको भी देंगे। और भी कोई? हाँ भाई साहब आप बताइए। हाँ बताइए, दिल्ली में आप लोगों का क्या फ़ायदा हुआ है? किससे? सरकार से। सरकार से क्या फ़ायदा, वही है फ्री मिले हैं हमें, ऑटो पासिंग में फ्री मिल गए, और यही फ़ायदा हुआ और कुछ नहीं। तो इस बार सरकार आएगी या नई सरकार बनाएंगे? इस बार वही सरकार आएगी या नई सरकार? भाई हमारे सपोर्ट तो मोदी सरकार की है। मोदी सरकार की? हाँ जी। क्यों मोदी सरकार को क्यों सपोर्ट है आप? वो केंद्र में है और दिल्ली में होना चाहिए विकास, केंद्र और दिल्ली मिलके दोनों ही होता है। अच्छा। ये वापस में ये लड़ते रहते हैं मरना। अच्छा।
हाँ जी हमारा ही है। अगर आपका मानना ये है कि अगर केंद्र में मोदी सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, तो वो उनको काम नहीं करने दे रही, लड़ रहे हैं? हाँ, ये दोनों ये कहते हैं वो काम नहीं करने देते हैं, और केंद्र सरकार कह रही है ये काम नहीं कर रहे। अच्छा, इसलिए दोनों को सेम सरकार होगी तभी हमारा काम होगा, विकास होगा। आपको लगता है कि ये जो सरकार काम नहीं कर पा रही दिल्ली में? हाँ जी लगता है ऐसे। हाँ कई बार लगता है। कैसे? जैसे ये कह रहे हैं कि वो हमारे ये नहीं करने दे रहे हैं, काम अभी चालू किए, ये कोर्ट में भी डाले थे ये। हाँ तो उस समय लगा था कि नहीं, ये दोनों है ना। सर ये जो कॉलोनी हाँ। पास कौन करवा रहा है, ये मोदी जी करवा रहे हैं या केजरीवाल जी करवा रहे हैं, जो कच्ची कॉलोनी वाला है? हाँ ये जो, क्योंकि पहले मोदी जी ने कहा भी जो है इतनी आइडिया नहीं पता कितनी कॉलोनी को हमने पास किया, फिर केजरीवाल जी कह रहे हमने कराया, तो अब कौन कर रहा है? वैसे तो कहते हैं केंद्र करती है, हाँ तो बाकी इसका आइडिया नहीं कौन करवा रहा है। केजरीवाल जी कह रहे हैं मैंने करी है। अच्छा मोदी जी के हाय, ये तो कॉलोनिया तो मोदी जी ही पास करते हैं, केंद्र से होता है। वोट तो जब इलेक्शन आ जाएंगे तो दे ही देंगे, मन की इच्छा क्या, वो तो दे ही देंगे जी। ऑटो वालों को कुछ फायदा हुआ किसी सरकार से कि नहीं? ऑटो वाले के तो यही फायदा किया जी, अभी आप अभी जाके वो जे आपके क्या कहते हैं डिम्स से फ्री कटा है, और गाड़ी वगैरह जो थोड़ा बहुत पासिंग हुआ है, ऐसे वो दलाल फिर भी पैसे ले ही रहे हैं। पहले क्या होता था? पहले भी दलाल पैसे लेते थे, मगर पहले पहले खुल के दलाली होती थी, अब जो है चोरी छुपके हो रही। पहले 200 रुपए में गाड़ी पास हो जाती थी, लेकिन अब 800 रुपए लगते हैं, कभी 1000 लगते हैं, कभी 500 लगते हैं। हाँ अब ये तुम्हारा ये शीशा है हमारा, ये जो ग्लास है साइड ग्लास, ये समझो कि चलो ठीक है बाहर लगा दी कोई बात नहीं, लेकिन उस पर अंदर से वेल्डिंग करवा दी। वेल्डिंग करवाने का मतलब ये है कि अगर वो खराब टूट जाए बाहर से, तो उसको ना सेटिंग से अंदर से उसको कटवाओ, कटवाने के बाद फिर उसको दूसरा फंसवाओ, ताकि हमारी पूरी सेटिंग का ना सत्यानाश हो जाए। अंदर के भी शीशा के भी चलान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जनाब। चलो ठीक है, अंदर के जो शीशा जो है ना अंदर की, अब मान के चलिए आप ही बैठे हुए हैं, कोई बात कर रहे हैं, या कभी काल मतलब फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, या कोई चीज़ ले जाकर बैठते हैं, अब पीछे से कोई आया कुछ लेके भाग जाएगा तो हमारे को कुछ नहीं नज़र आएंगे। शीशा रहने से ही क्या है, कोई बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, फिर उसके बाद बच्चे भी बैठते हैं, उस शीशे के चलान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे हमारे सामने ग्लास रहता है, जैसे हर गाड़ी में आगे ग्लास होता है पीछे देखने के लिए, पीछे की साइड भी हम देख लेते हैं, उस पर धनाधन चलान हो रहे हैं, हम लोग डर के मारे उन्हें निकाल दिया उसे शीशे को। क्या बोलते हैं उसको? वो बोलते हैं कि ये अलाउड नहीं है। अच्छा, हाँ पुलिस बोलती है ऐसा? बोलते पुलिस ये अलाउड नहीं है। अब एक बात बताइए, पीछे कौन बैठा है, क्या है, कैसा आदमी है, कहे हम कोई नशीले दवा अगर डाल के कोई रुमाल पे हमको सुगा दे तो बताइए क्या करेंगे हम? हमारा सामने का शीशा ही तो हमको पीछे सपोर्ट करता है, पीछे आदमी क्या कर रहा है? अभी कोई लड़के लड़कियां बैठ जाते हैं, उल्टी सीधी हरकतें गंदी संदी करते हैं, अगर तुमने हाथ दे दिया समझो तुम तो हमारे चालान काटोगे, तुम करवा रहे हो ये सब, तो तुम ही करवा रहे हो ना। पुलिस क्या बोलती है फिर? अब आप उनको नहीं बोलते भी? हमको कुछ नहीं मालूम, हमको तो ऊपर से ऑर्डर है। तो ऊपर से कहां से कोर्ट? अब क्या पता कहां से ऑर्डर है उनको, तो अच्छा ऐसे ही बोलते हमेशा कि ऊपर से ऑर्डर है। अब हम अपनी सपोर्ट के लिए, हर आदमी के सपोर्ट के लिए वो ग्लास होता है, अब पीछे हम क्या देखें उसमें कि कौन है पीछे क्या कर रहा है, हरकत कैसी हो रही है। बात ये नहीं है कि हमने लड़की को देखा, हम ये देख रहे हैं कि वो लड़की और लड़का कर क्या रहे हैं वहाँ पे, ये हमारी रोजी रोटी है, आप उसमें गलती हरकतें करेंगे ये हमको बर्दाश्त नहीं है भाई। है। ये चीज़ें हैं, आप नंगे पुंगे काम कर रहे हो उसमें, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, तो ये तो हमको दिखता है ना, लेकिन दिखेगा तभी जो वो ग्लास होगा तभी। अब उस पर चलान करना शुरू कर दिया, हम लोगों ने निकाल के फेंक दिया, हो क्या करें, हर चीज़ जो भी आती है वो ऑटो वाले पर थोप दी जाती है, कोई भी लागू होता है, कुछ भी लागू होता है सबके लिए ऑटो वाले पर थोप दो पहले। ऑटो वाला पता नहीं कितने पैसे कमाता है मालूम नहीं, या जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो सबके जेबें हमारे इसमें ऑटो में हमारे में आ जाती। अब तो आपको लगता है कि जो बड़े लोग हैं उनको कोई कुछ नहीं कहता, और जो
नीचे वाला आदमी है उसी भी रहेगा ना, वो ऊपर नहीं आ सकता सर, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। छोटा आदमी छोटा होता जा रहा, बड़ा आदमी और बड़ा होता जा रहा। सरकारों का छोटे आदमी को काट काट के उसको दिया जाता है, सरकारों का कसूर है ना, सरकारों का ही कसूर होता है ना, कोई भी सरकार हो, हम दोष किसी को नहीं दे रहे। मतलब मान के चलिए पुलिस वाले तो केंद्रीय सरकार में आते हैं, मान के चलिए आपको जी करिए हम तीन आदमी चार आदमी घेर ले तो अकेला आप क्या कर रही हैं? हम ये नहीं सपोर्ट कर रहे हैं केजरीवाल ऐसे कर रहे हैं या बीजेपी वाले ऐसे कर रहे हैं, मगर ये तो सरकार के सोचना चाहिए से ये चीज़ के मतलब लाभ तो सभी की है। मान के चलो हम लोग तो कोई गलत काम कर नहीं रहे, पीछे आदमी बैठे हुए हैं, कौन आदमी क्या है, कोई बम फिट करके चले जाए तो फिर क्या करेंगे हम लोग? मार्केट में जाते हैं, सत्संग भवन की तरफ जाते हैं, मान के चलिए कुछ फेंक दे, हर एरिया में जाते हैं, अब कुछ फिर जब फेंक दे और रख जाए तो हम लोग वो तो देख नहीं पाएंगे। मतलब प्रॉब्लम यही चीज़ की है, बाकी और तो सभी जे सरकार तो दोनों जे आप देख ही रहे क्या तरह से चली रहे। कालंदी कुंज साइन बाग का एक महीना दो दिन हो गया, रोड बंद है, जो बच्चे एक महीना दो दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं उस पर बीजेपी सरकार और आम आदमी सरकार अपनी रोटी सेक रही है, उसको देखने नहीं ना विधायक जा रहा है ना कोई नहीं, रास्ता खुलने के कोई नहीं है, स्कूल बच्चे नहीं जा रहे हैं। डेली 80 रुपया जाने को 80 रुपया आने का दिया जाता है, गाड़ी यहाँ कपात की लगाई जाती है, हम लोग इससे बहुत परेशान हैं। दोनों सरकार नहीं सुन, न बीजेपी न आम आदमी पार्टी, ये सबसे बड़ी परेशानी। अब उनकी मांग मानी जाए या न मान जाए नहीं कर सकते सर, मतलब वो रोड खुलना चाहिए, वो रोड से हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान तरीक नहीं बहुत परेशान है, कमाई भी बंद है खर्चा ज़्यादा, ये दोनों सरकार इतनी निकम्मी सरकार हो गई है, उनको बैठा दिया, उनको हटाने का नाम नहीं दे रहे। बीजेपी और आम आदमी दोनों पार्टियां इतनी निकम्मी हो गई हैं जो उनको हटाने के लिए नाम है नहीं, उनका कोई सुनवाई नहीं। तो इस बार फिर दिल्ली को दिल्ली में किसको बनवाओगे अगर दोनों निकम्मे हो गए तो? ना तो बीजेपी को वोट देंगे, ना कांग्रेस को वोट देंगे, ना आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, नोटा पे वोट देंगे, नोटा पे वोट देंगे। हाँ पक्का मन बना लिया? पक्का बना लिया, पक्का बना लिया हूँ, नोटा पे वोट दूंगा, किसी पार्टी को वोट नहीं दूंगा, हमारा चलेगा, किसी को देने नहीं दूंगा। दिल्ली सरकार तो आम आदमी पार्टी की बनेगी, इतने अच्छे काम जो किए हैं ये भी बताने की तो जरूरत है नहीं, वैसे आपको हमसे भी ज्यादा पता है। हम बाहर से आए हैं ना, हमें ज्यादा पता नहीं है। मतलब किस विषय में पूछना चाहते हैं आप? जिस विषय में बताना चाहते हैं अभी, क्या अच्छे काम किए हैं? मतलब शिक्षा में किया है, स्वास्थ्य में किया है, एजुकेशन में किया है, और महिलाओं के लिए यात्रा फ्री, सीसीटीवी कैमरे, चेंजेस तो शिक्षा में तो बहुत ज्यादा हुए हैं, अच्छे हुए हैं। कैसे? हमारे बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, सरकारी स्कूल में? हाँ जी। क्या बदलाव हुआ है? तो मतलब पहले से तो काफ़ी अच्छा बदलाव है। थोड़ा बता दीजिए ना क्या बदलाव हुआ? मतलब बच्चे पहले से अच्छा पढ़ते हैं। अच्छा। और पहले बच्चे स्कूल भी नहीं जाते थे, आज स्कूल जाते हैं अच्छे से। क्या बोलते हैं बच्चे? कि बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। और उसमें ग्राउंड वगैरह या और कुछ क्लास में कुछ चेंज हुआ है, बच्चे बताते हैं कुछ? नहीं, काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, एक्स्ट्रा क्लासें लग रही हैं और कई तरह के स्पोकन क्लासें हैं, खेलकूद के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत बहुत बढ़िया, बेटर है पहले से। और अगर सेहत की बात करें तो? सेहत तो अस्पताल पर जाके देख लीजिए आप, पता लग जाएगा। मोदी सीमाओं पे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। जैसे कि अभी क्या बेरोजगारी है तमाम दुनिया भर की, सब लोग खाली खाली हैं, और जो है वो बोलते हैं भाई बेसिक सैलरी मतलब 600 रुपये के समथिंग, लेकिन यहाँ तो लोग 300-300 रुपये देते हैं, बोलते हैं आपको 9000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, 9000 को भी जो है वो डिवाइड करते हैं 30 से, मतलब उनको 30 दिन काम चाहिए होगा तब वो 9000 रुपये देंगे, मतलब रेस्ट भी नहीं है। जबकि उसमें जो है आपका मतलब जो सरकार का काम करने का तरीका है उसमें क्या है, आप 9 घंटे ड्यूटी करते हैं तो 1 घंटा आपको रेस्ट का मिलेगा, तो उसमें क्या है वो 1 घंटा रेस्ट का भी नहीं होता है, बंदा काम कर रहा होता है भाई हाँ चल ठीक है तुम बाद में करना, ये जो है आराम बाद में काम करना। अभी जो है यहाँ भी ये बिग बाज़ार भी है जैसे, इसमें भी नहीं, मैं भी हाउस कीपिंग में मेट्रो में कर रहा था,
तो वहाँ पे भी मेरे को बोला गया था कि भाई हाँ आपको जो है पहले 12,000 रुपये सैलरी मिलेगी, फिर उन्होंने बोला 12,000 रुपये कट पिट के मिलेगी, उसमें फिर 9,000 रुपये देने लगे, 9,000 में भी काट लेते हैं। उनको पूछते हैं भाई क्या हुआ, तो बोलते हैं ये 30 से भागा होगा। अच्छा, हाँ जी, तो मोदी जी क्या बोलते हैं? नहीं, मोदी जी बोलते हैं कि जो है मजदूरी की जो है 500 रुपये जो है हो कम से कम बेसिक, और जो पीएफ कटता है वो भी जो है उसमें भी धोखाधड़ी है, गवर्नमेंट के अंडर में काम है पीएफ का। तो अभी मेरा पीएफ कटता है तो 1700 रुपये समथिंग कटता है, तो उनको भी पता है भी ये 1700 रुपये किस हिसाब से कट रहे हैं, क्योंकि सरकार का अपना है कि भी अकाउंट में सैलरी आएगी, भाई अकाउंट में सैलरी आ रही है तो बैंक का भी डिटेल सरकार के पास होता है, तो भी वो मतलब उनको पता होता है भी 9,000, 8,000, 7,000 ऐसे करके बंदे। अब दिल्ली में आप देखिए अगर कहीं भी बंदा रह रहा है तो उसके रेंट के लिए, सबके पास अपना घर नहीं है, हम भी यहाँ रेंट में रहते हैं, हमको भी रेंट देना होता है, हम 9,000 रुपये की नौकरी में मतलब कैसे काम कर पाएंगे। अगर केजरीवाल ने अभी सहूलियत कर दी है, देखिए मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हैं, बिजली का बिल नहीं आ रहा है, जिन लोगों के पास अपने मकान हैं उनके बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं, तो पानी भी जो है फ्री हो रखा है और पहले सस्ता हुआ था, तो काफ़ी कुछ जो है सुधार करा है केजरीवाल जी ने। अभी क्या उनके अंडर में पूरा आता भी नहीं है, फिर भी वो इतना कुछ कर रहे हैं केजरीवाल। क्यों? क्योंकि उसने, आज भी मेरे बच्चे स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और एक दो दिन एब्सेंट कर देते, स्कूल से फ़ोन आ जाते हैं कि आपके बच्चे क्यों नहीं आए स्कूल। कब से पढ़ रहे हैं वो सरकारी स्कूल में? वो करीब दो हो गए, 3-4 साल से सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो जब पहले ही सरकारी थी तब नहीं आता था? पहले नहीं आते थे, अभी 1 साल से आ रहे हैं। और क्या सुधार हुए हैं? बस बच्चे टाइम से स्कूल जाते हैं, टाइम से आ जाते हैं। हॉस्पिटल तो मैं जाता नहीं, मैं हॉस्पिटल के बारे में बहुत अच्छी खबर है, हर जगह मोहल्ला क्लिनिक लग रहा है, वहाँ दवाई फ्री में मिल रही है, चेकअप कर रहे हैं। मोदी जी भी तो बोल रहे हैं सब कुछ मैं भी कर दूंगा दिल्ली में, लोग मुझे जिताएंगे। वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो फेकू है, वो फेकू है इस तरीका से, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, और उसके अलावा उसके पास होता क्या? आज तक उसने 6 साल में किया क्या, क्या किया बताओ? वो तो बोल रहे हैं कि मैंने देश के लिए बहुत कुछ कर दिया, लोग खुश हैं मेरे से। पता हो कालका जी में कितने बार आए इस जगह, दिल्ली में कहाँ कहाँ आए वो, राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन से संसद भवन के अलावा वो कहाँ जाता दिल्ली के अंदर, विदेश विदेश में रोनिंग करा। अरे पहले अपने घर में देखना, जो अपनी माँ बहन को नहीं देख सका तो तुम दूसरों का क्या देखोगे। 2,000 रुपये के लिए मोदी ने अपने माँ को, 80 साल बूढ़ी माँ को बैंक के लाइन में लगवा दिया, उससे बड़ा बेवकूफ़ कौन है। और एक जो है टकला आतंकवादी गुजरात का, वो दोनों, और एक है योगी, ये तीनों जिंदा रहने लायक नहीं है, इनको तो मार देना चाहिए, वही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये धोखेबाज हैं, किससे धोखा नहीं करते बताओ। अब मैं बताऊंगा युवराज जी वाली बात, पहले गौकसी मेरठ में बहुत होती थी, कुछ टन जाते थे विदेश, आज के तारीख में पता कितने, 8,000 टन जाती है रोज, ये मोदी का आने से भरा, चाइना से मशीन लगवा के इसने सप्लाई एक्सपोर्ट किया। जब इंडिया घर में खाने के लिए नहीं हो रहा, तुम विदेश भेज रहे हो किस चीज़ के लिए, इस तरीका से कर रहे हैं मोदी। आइए बस जब तक है, बहुत ज़्यादा धोखे से मशीन के जरिए जीता है, अब इस बार इसका लास्ट है। इस बार नहीं जीत सकता दिल्ली, दिल्ली ईवीएम से, ये गुजरात में भी नहीं जीत, इस बार दिल्ली में भी नहीं जीतेगा, क्योंकि इस बार आदमी, हर आदमी पब्लिक समझ चुके हैं ये धोखेबाज है, जीत ही नहीं सकता किसी भी हालत में। अगर 2-4 सीट आ जाए दिल्ली में, बहुत है,
और कांग्रेस के भी दो ही चार आ जाएगी, बस ज़्यादा नहीं आएगी। तब भी केजरीवाल के पास 50 से ऊपर सीट आने के 100% उम्मीद है।